एक बार फिर से बहस इस बात पे छिड़ गई है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा 2024 में चुनाव लड़ेगी और किसने छेड़ा और किसके कहने पे। हमारे सूत्र बताते हैं कि जब इंडिया फ्रंट अलायंस की बैठक हुई उसमें सब लोगों ने इस बात पे चर्चा की कि हमें सीट शेयरिंग बात पे एक निर्णय बहुत जल्द लेना पड़ेगा और जो हमारे सबसे मजबूत कैंडिडेट्स हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे में ममता बनर्जी ने एक दांव खेला और उसने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ना चाहिए और उनको प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए बनारस से। और ये बहुत उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई और आज भी नहीं आएगी। आपको याद होगा कि 2019 में भी ये चर्चा शुरू हुई थी कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी और क्या वो लड़ेंगी बनारस से प्रधानमंत्री के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल एक समय पे चुनाव लड़ चुके हैं और ये माना जाता है कि जब आप चुनाव में लड़ते हो या किसी भी बैटल में जाते हो ऐसे में आपको ये भी दिखाना पड़ता है कि आप डरते नहीं हो, चाहे आपको ये भी पता हो कि उसका अंजाम क्या होगा। ये एक सशक्त और मजबूत नेता की निशानी मानी जाती है। कांग्रेस पे और गांधी परिवार पे खासतौर पे ये आरोप हमेशा से लगता आया है कि वे हमेशा एक सेफ बैटल लड़ते हैं, यानी कि जहां उनको लगता है कि लड़ाई मजबूत नहीं होगी या उनके लिए मुश्किल होगा वहां पे उस मैदान में वो नहीं उतरते हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ूंगा चाहे कुछ भी परिणाम हो और चाहे मैं चुनाव ना लड़ूं। लेकिन 2019 में जब एक बार फिर से यह चर्चा चली कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और क्या वो बनारस से लड़ेंगी, उस समय अटकलें बहुत थी, बहुत सारा डिमांड भी आता था पार्टी की तरफ से, लेकिन वो आखिरकार चुनाव नहीं लड़ी और अजय सिंह को लड़ाया गया बनारस में प्रधानमंत्री के खिलाफ। बार बार ये मुद्दा उठता है, बहुत समय पे ये मांग भी उठती है कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं की तरफ से कि प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन कोई भी ये बात से नहीं कहता कि उनको प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ना चाहिए। ममता बनर्जी का मानना ये है कि मजबूत जो खिलाड़ी है उनको लड़ाना चाहिए, महिलाओं को लड़ाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और वो हमेशा से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के पक्ष में रही हैं, उनका मानना है। और वो हमेशा से अपने पार्टी के बहुत सारे नेताओं को ये बात बताती है कि राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी वाड्रा में वो ज्यादा पोटेंशियल है कि वो एक अच्छा पॉलिटिशियन बन पाएंगी और इसलिए चुनाव जीत पाएंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रह चुकी है और वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी घूम भी चुकी है और एक समय में वो अपने पिता के साथ रायबरेली और अमेठी, अपने भाई राहुल गांधी के लिए अमेठी से, अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए रायबरेली से काम भी करती थी और उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी भी संभालती थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश उनके लिए कोई नई जगह नहीं है। बात ये भी चलती थी कि वो वहाँ पे शायद एक घर भी लेंगी लेकिन वो घर उन्होंने लिया नहीं, इसीलिए अब ये बात छेड़ दी गई है कि शायद 2024 में उनको चुनाव लड़ना चाहिए वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ, क्योंकि एक महिला ही शायद टक्कर दे पाएंगी प्रधानमंत्री को। वो पब्लिक ओरेटर बहुत अच्छी है, पब्लिकली बहुत अच्छा बोलती है और बहुत लोगों का मानना यही है कि यही एक उनमें एक और एक कला है जहाँ पर वो प्रधानमंत्री को चुनौती दे सकती है। क्या वो ये चुनौती लेंगी, क्या कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के चुनाव या सुझाव पे जाएगी, अमल करेगी, या क्या ममता बनर्जी का मकसद ये था दिखाने का कि गांधी परिवार में शायद वो जोश नहीं है जिस जोश की वो बात करते हैं।